कि आपकी सारी टीम जीती है, ऐसा कहीं तो मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि फ्रीडम का मसीहा ऐसा लिखा हुआ था, फ्रीडम का मसीहा। वो सब लोगों को टैग लगाने की पता नहीं क्यों आदत होती है, वो हमका के टैग होता है। आई थिंक कहीं हम लोगों को सबको अगर किसी चीज़ में विश्वास है हमें सबको उसके लिए खड़ा होना चाहिए, हमें सबको उसके लिए लड़ना चाहिए। और सेंसर बोर्ड जो कर रहा है वो बहुत जाती है, उन्होंने भी हरामखोर को सर्टिफिकेट रिफ्यूज़ किया, अभी नीरज पांडे की साथ चक्के को भी रिफ्यूज़ किया। हाँ तो अभी मेरे को फ़ोन पर खबर आई है, तो मुझे पता नहीं क्या हो क्या रहे। रमन राघव एक नए तरह की फिल्म है, रमन राघव एकदम बिल्कुल नए तरह की फिल्म है और एक थ्रिलर है, एक साइकोपैथ थ्रिलर है, लेकिन इसमें ऐसा वो सस्पेंस नहीं कि किसने किसको क्या मारा, लेकिन हाँ ये सस्पेंस है कि कब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे दो कैरेक्टर्स। और ये बायोपिक है, बायोपिक नहीं है, ये रमन राघव जो बायोपिक वो नहीं है, ये आज की कहानी है, कंटेम्प्रेरी वर्जन। हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और विक्की कौशल पुलिस वाले का रोल निभा रहा है, और ये उनके दोनों के कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, दोनों अपनी दुनिया को किस तरह से देखते हैं, उनकी दुनिया जब आके फाइनली भिड़ती है तो क्या होता है। 2.0 यही है कि बायोपिक नहीं है फिल्म, क्योंकि बायोपिक नहीं है, जैसे आपके फ़ोन में आए 6 और 6S होता है, फिर अपग्रेडेड वर्जन आता है ना iOS का, हाँ तो वैसा ही है 2.0 एक अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि लोगों को लगता है रमन राघव तो रमन राघव सीरियल किलर के बायोपिक है, वो उसका नहीं है, सीरियल किलर फिल्म है लेकिन उस रमन राघव की कहानी नहीं है, ये कंटेम्प्रेरी 2015 की कहानी है। अभी तो बाकी को नहीं है, मतलब फिल्म बनाना आसान है, हमें अभी डर लगने लगा जब सेंसर में फिल्म जाती कि पता नहीं क्या होगा, तो फिल्म बनाना ज़्यादा सिंपल है और उसके बाद जो है मुश्किल चालू होती है। आपको शोभिता कहाँ दिखी इसमें? अरे मैं देखना चाहता हूँ, आपने ऐसे का शोभिता देखना चाहता हूँ, शोभिता कहाँ दिख रही है आपको? नहीं अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि एक्टर्स जो है मेरी फिल्म में आते हैं, तो एक्टर्स मेरी फिल्म में आते हैं तो अपना सब कुछ देते हैं, एक्टर्स पूरी तरह से सरेंडर करते हैं और हर एक्टर कहीं ना कहीं अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके जाता है, तो उस चीज़ का गर्व लेके घूमता हूँ मैं अपने साथ, मुझे मज़ा आता है, उस तरह का ट्रस्ट एक्टर्स मुझे देते हैं। तो प्रमोशन मुझे नहीं मालूम, मैं तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे जा रहा हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। आप प्रमोशन उनसे पूछिए जो हमारी टीम के मार्केटिंग वाले जो हेड हैं वो सब लोग करते हैं, जिन्होंने पोस्टर बनाया कैंपेन बनाया वो लोग प्रमोशन डिज़ाइन करते हैं, मैं मुझे फिल्म बनाना आता है और प्रमोशन करना नहीं आता है तो वो मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ जिनको आता है। हरामखोर अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म, इसको मामी में अवार्ड मिला, इतनी ज़्यादा सराही गई है पिक्चर और सडनली जो है उसको सर्टिफिकेट रिफ्यूज़ जाता है तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन चूँकि सर्टिफिकेट रिफ्यूज़ करने के बाद उन्होंने लेटर दे दिया तो हम एफकैट में जा सकते हैं, ऑप्शन हमारे सामने खुला हुआ है तो अच्छी बात है। अभी सिडनी फिल्म फेस्टिवल में कॉम्पिटिशन में हाँ कल दिखाई गई, ये रिएक्शन बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और मज़ा आ रहा है, लोगों को फिल्म पसंद आई है काफ़ी। 24 जून को हमारी फिल्म आ रही है और सप्रेम आई है, सपरिवार मत आइएगा और देखिए रमन राघव अकेले के लिए बड़ा मज़ा आएगा। कोई खास वजह परिवार नहीं, मतलब ये फिल्म ऐसी है जो हर आदमी का अकेले हो, जैसे किताब अकेले पढ़ी जाती है, कुछ फिल्में अकेले देखनी चाहिए, अब भले ही सब परिवार आए लेकिन अकेले अकेले एंगेज करें।